इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का 10th क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो अगर सन की एज एक्स है तो अमन की एज कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि 3x। अगर सन की एज है एक्स तो फादर की एज रहेगी 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, यानी कि 3x। ठीक है, 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, तो हम एक एक करके लिखते हैं। हम यहां पे लिखेंगे लेट सन्स एज बी एक्स ईयर्स एंड अमन्स एज बी 3x ईयर्स। ठीक है, सन की एज है x ईयर्स, अमन की एज है 3x ईयर्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन के अंदर है कि 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले। तो अगर ये इन दोनों की प्रेजेंट एज है तो 10 साल पहले इनकी एज क्या होगी? 10 साल पहले सन की एज हो जाएगी x माइनस 10 और अमन की एज हो जाएगी 3x माइनस 10। तो हम यहां पे लिखेंगे सन्स एज 10 ईयर्स अगो, ये है एक्स माइनस 10 और अमन की एज 10 ईयर्स अगो ये हो जाएगी 3x माइनस 10। ठीक है, इसके बाद गिवन है कि 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब कि 10 साल पहले अमन अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा थे एज के अंदर। तो जो फादर की एज है 10 साल पहले वो सन की एज से 5 टाइम्स थी। तो इक्वेशन बनेगी अमन की 10 साल पहले की एज इक्वल होगी 5 टाइम्स ऑफ सन की 10 साल पहले वाली एज। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 10 जो कि है अमन की 10 साल के पहले की एज इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहां पे लिखा था 5 टाइम्स, तो यहां आ गया 5 टाइम्स सन की 10 साल पहले वाली एज जो कि है x माइनस 10। तो इक्वेशन बन गई 5 इंटू एक्स माइनस 10, यानी कि 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 10। यहां से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं हम? 5 इंटू एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन है तो आएगा माइनस 5 इंटू 10। तो हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स यानी कि 5x, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 5 इंटू 10 यानी कि 50। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स वाली टर्म एक तरफ, नंबर्स बाकी सारे दूसरी तरफ। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 3x, यहां पर है 5x प्लस 5x, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5x। तो यहां पर होगा ये माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 50, ये है माइनस 10, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10, तो ये हो गया प्लस 10। ठीक है, इसको यहां पे लिखते हैं हम 3x माइनस 5x, तो 3 में से 5 गया यानी कि 2 माइनस 2, तो 3x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 50 प्लस 10। तो माइनस 50 और प्लस 10 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम 50 में से पहले 10 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 40 और इसके आगे हम लगा देंगे माइनस का साइन, तो यहां पर भी आ गया माइनस 40। अब देखो इधर भी माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल। अब आ गया 2x इक्वल्स टू 40, तो 2x 40 के बराबर है। अब हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर x रखेंगे और 2 को हम इधर भेज देंगे, तो 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 इधर जाएगा तो इधर करेगा 2 डिवाइड, तो नेक्स्ट लाइन में आ गया x इक्वल्स टू 40 बाय 2। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 इंटू 2 4 और 0 का 0, तो x की वैल्यू आ गई 20। मतलब कि सन की एज है 20 साल और अमन की एज हो जाएगी 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 20 यानी कि 60 ईयर्स। तो सन की एज है 20 ईयर्स, फादर की एज है 60 ईयर्स। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।